रहे सूर्य आदित्य न्यूज, आई रुक करते खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर ब्रिज निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के प्रयास जारी है। इस मुद्दे को लेकर सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान और विधायक मंजू सिवास ने हाल ही में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सांसद को रेलवे अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई। दो दिन पहले ही उन्होंने इस निरीक्षण की सूचना दी थी, फिर भी कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ। यह मामला मोदी नगर की जाम समस्या को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल है। बंद करते हैं, आप यहाँ से नहीं निकाल सकते सीकर वाले से, ये तो पूरी डेढ़ डेढ़ घंटा रहते हैं। तो यहाँ का उन्होंने लैंड का इशू बताया, एक आप इसमें ले 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 रेलवे का, जिस पे हमारा थ्री व्हीलर और टू व्हीलर सर और टू टू व्हीलर चले जाए, कार फोर व्हीलर मैसेज कोई कमी थे तो आपको था, लेकिन उनको मैसेज दे देता है। भाई मैंने इनको बता दिया था, इनको पहले ही पता था, लेकिन वो क्या कि वो टपरी चले गए अचानक, भाई थोड़ा सा आपको यहाँ रहना, इनका नंबर आप दीजिए। स्टेशन का निरीक्षण किया, क्या क्या इसको यहाँ पर खामियां मिली, लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, तो जरा एक बार विस्तार से बताएं। देखिए कि मैं जो हमारा दिल्ली मोदीनगर मेरठ का जो रेलवे ट्रैक है, ये बहुत बिजी रेलवे ट्रैक है, इस पर ट्रैफिक बहुत है रेल का। और यहाँ हमारे यहाँ जो मोदीनगर है, मोदीनगर की आधी से ज़्यादा आबादी रेलवे लाइन के दूसरी तरफ है और बाजार दूसरी तरफ है, तो जो आबादी के लोगों को बाजार की तरफ आने की आबादी की तरफ आने की जरूरत पड़ती है, उनको रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए यहाँ पर दो तीन दिक्कतें हैं। हमारा सीकरी फाटक है, हमारा तिबड़ा फाटक है, जो रोड है वहाँ पे आबादी के लोग वहीं से आ जा सकते हैं। वो फाटक कभी कभी डेढ़ डेढ़ घंटा बंद रहते हैं, चार चार ट्रेनें पांच पांच ट्रेनें एक साथ गुजरती हैं कंटिन्यूस, फाटक इतनी जल्दी नहीं खुल पाता है, तो जाम का हजूम लगा रहता और लोगों के साथ दुर्घटनाएँ होती हैं। यही हाल हमारा रेलवे का जो हमारा स्टेशन है मोदीनगर का, और इसका रिनोवेशन का काम इस समय चल रहा है ना, इसको उच्चीकृत भी करा जा रहा है। भारत सरकार की योजना, रेल मंत्रालय की योजना है कि जो ऐसे शहरों के स्टेशन हैं उसको हम मतलब आधुनिक तरीके के स्टेशन हम बनाएं, और वहाँ सारी फैसिलिटी सारी सुविधाएं यात्रियों को भी और जो शहर के नागरिक हैं जो जनता है उनको भी सारी सुविधाएं मिले। मैंने आगे यहाँ का फुट ओवर ब्रिज को मैंने आगे देखा है, जो ज़्यादातर लोगों की दिक्कत है कि जो रेलवे स्टेशन के पास से जो उस आबादी के लोग शहर की तरफ आने जाने वाले हैं, जो स्कूल हमारे हैं ज़्यादातर इंटर कॉलेज हों डिग्री हों लड़कियों के गर्ल्स कॉलेज हैं, सारे के सारे हमारे शहर की आबादी में हैं, इस आबादी शहर की तरफ हैं, वो तो आबादी के लोग जब बच्चे इधर से क्रॉस करते हैं और ट्रेन लगातार डेढ़ घंटे तक आती है तो बहुत सारी दुर्घटना और खतरा बना रहता है। ये जो यहाँ एयरपोर्ट भी बन रहा है, फुट ओवर ब्रिज स्ट्रीम बना जा रहा, हालांकि ये इन्होंने बताया मुझे अभी कि ये प्लेटफार्म को प्लेटफार्म से जोड़ने वाला फुट ओवर ब्रिज है, लेकिन मुझे नहीं जानकारी थी कि ये जिसने प्लान इसका बनाया उसने ये चीज़ ध्यान में नहीं रखी कि जिस तरह गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन है, हापुड़ का रेलवे स्टेशन है, मेरठ का सिटी का रेलवे स्टेशन है, कि जो आम आदमियों के लिए एक बस्ती से दूसरी तरफ जाने के लिए जो ऐप को भी बनाते हैं उसका रास्ता देते हैं, यहाँ पता नहीं किन कारणों से वो प्लान में इन्होंने नहीं लिया, ये प्लेटफार्म से प्लेटफार्म को जोड़ने वाला है। इस संबंध में मैं आदरणीय रेल मंत्री से ज़रूर बात करूंगा, कल मैं चेयरमैन से मिलूंगा, जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है कल मैं उनसे बात करूंगा। अभी हमारी मीटिंग थी एस्टिमेट कमेटी की, मैंने उस दिन भी ये सवाल उठाया था कि जो हमारे यहाँ दिक्कतें हैं, आम आदमी को दिक्कत है, रेलवे लाइन क्रॉस करने की दिक्कत है, उस आबादी को जो आधी से ज़्यादा आबादी शहर की इधर रहती रेलवे लाइन दूसरी तरफ, तो मैंने ये सवाल तब भी उठाया था कि सीकरी फाटक और तिबड़ा फाटक यहाँ पे हमारे फुट ओवर ब्रिज बनने चाहिए, और वो फुट ओवर ब्रिज ऐसे बने क्योंकि जगह की वहाँ कमी है, तो ऐसे फुट ओवर ब्रिज जहाँ से टू व्हीलर और थ्री व्हीलर टेम्पो ई रिक्शा और हमारे टू व्हीलर ये आसानी से निकल जाए फाटक बंद होने के बाद, और जब रेल लाइन निकल जाए फाटक खुले तो गाड़ियाँ तब उससे क्रॉस हो जाए, तो ये मैंने सवाल तब भी रखा था, विषय रखा था, वो मेरे उसमें नोट भी होगा प्रोसीडिंग में और उस पर काम होगा, उस पर विचार रेलवे विभाग कर रहा है। क्या कोई फाटक बंद करने को भी लेकर लोगों के अंदर कोई भ्रामक खबरें फैला रहा है कि फाटक बंद हो रहे हैं, बिल्कुल रेलवे बिल्कुल ईंटों की दीवार लगा देगी, उसके बाद फिर आने जाने में आवाजाही में कोई दिक्कत होगी, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है, ना रेलवे विभाग की मंशा रहती है कि वो आम रास्तों को रोके, वो आम रास्ते के साथ में अगर वो फुट ओवर ब्रिज या ओवर ब्रिज का निर्माण करा देंगे उसके बाद में फाटक वो बंद कर सकते हैं, करना उनको चाहिए, लेकिन फुट ओवर ब्रिज बनाए बिना और ओवर ब्रिज जो है आरओबी जो रेलवे का ब्रिज है उसको बनाए बिना किसी भी रास्ते का फाटक बंद नहीं किया जाएगा। दीवारें वो और रास्तों पर तो कर और जगह पर तो कर सकते हैं, आबादी क्षेत्र में कर दें दीवारें, लेकिन जो रास्ते हैं उन रास्तों को कहीं रेलवे को रोकने की कोई ना मंशा है ना प्लान है और ना रोके जा रहे हैं। सांसद जी आगे की अब क्या रहेगी, जैसे कि आपने बहुत सारी खामियां यहां पर
देखी गई यहाँ पर, और लोगों की लगातार ये शिकायत रही कि ये ओवर ब्रिज रुक गया, लोगों को आवाजाही में दिक्कत होगी, तो इसमें आप कहाँ तक बात करेंगे आप? अभी इसका रिनोवेशन का काम चल रहा है और पता नहीं किस कॉन्ट्रैक्टर को इसका काम दे रखा है और कौन रेलवे के अधिकारी हैं जो उसका सुपरविजन कर रहे हैं, इसका देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं चेयरमैन से कल मिलूंगा, रेलवे मंत्री से मिलूंगा और मैं ये पूछूंगा कि क्या रेलवे के वो अधिकारी जो इसका सुपरविजन कर रहे हैं, क्या जनप्रतिनिधि जो वहाँ के हैं, हमारा स्थानीय है, क्या उनसे उन्होंने कोई विचार विमर्श किया है? क्या सारे वो स्वंभू हो गए हैं? और कौन काम कर रहा है, कौन ठेकेदार किस क्वालिटी काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है, क्या उसकी गति है, कितने दिन में काम पूरा होना चाहिए था, क्या उनका एग्रीमेंट साइन हुआ, क्या इसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ कर विचार विमर्श करने की नहीं थी? मैं ये बारे सारी जानकारी मैं सारी बातें कल मैं रखूँगा। और ये मैं इस पर मुझे अभी भी तकलीफ है कि आज हमें विजिट यहाँ करना था और विजिट करने के बाद में हमने परसों ये कहलवाया था कि हम विजिट करने आएंगे, हम ये जो जनता की दिक्कत है, जो समस्याएँ हैं, जो परेशानी है फुट ओवर ब्रिज की जो बनने लग रहा है, जो आपका वहाँ काम चल रहा है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए ये रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ती है, तो रेलवे के अधिकारी जो इससे संबंधित हैं वो यहाँ रहने चाहिए। तो यहाँ तो एसएस है जो ट्रेन को निकालने में, क्या इसके अलावा कोई जिम्मेदार अधिकारी आपको यहाँ पर दिखा रेलवे के अलावा? जब आप आज दो दिन पहले आपने इस बात की सूचना दे दी थी कि आज मेरी विजिट होगी, सूचना मैंने दी और जो नहीं है मैं बात करूंगा रेलवे मिनिस्टर से कि अगर इस तरह का आचरण है, ये लोग किस काम में लगे हैं, जनप्रतिनिधि के साथ क्यों नहीं बैठ रहे हैं, क्यों नहीं विचार विमर्श कर रहे हैं, इसकी मैं बातचीत करूंगा, बिल्कुल करूंगा कि इनकी साठगांठ क्या है, किसके साथ है, जनता की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, जनता की बात सुने उनको, उच्च अधिकारी से अवगत कराएं, उसको चेयरमैन से अवगत कराएं, जब तो उसकी समस्या निदान होगा। ऐसे थोड़ी कि वो अपना प्लान बना देंगे, यहाँ लगे रहेंगे, पब्लिक से बात नहीं करेंगे। जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं, विधायक हैं, चेयरमैन हैं, एक्स विधायक हैं, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, उन लोगों से बात करनी चाहिए। सर, आप लोगों ने जैसे हापुड़ रोड है, ठीकरी रोड है, वहाँ का बन रहा है पुल, मगर तिबड़ा रोड पर इतनी जनता निकलती है, बहुत ज़्यादा बहुत परेशानी होती है, फाटक लगने के बाद बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, यहाँ के लिए भी कुछ किया है? मैंने खुद ही बताया तिबड़ा और आपका सीकरी दोनों के लिए मैंने फ्लाईओवर फुट ओवर ब्रिज की मैंने मांग की है, उनकी DPR बनेगी, वहाँ पे भी ये निर्माण होगा, जरूर होगा, जनता के हितों के लिए होगा, जनता की सुरक्षा के लिए होगा, जरूर होगा। अब इस प्राथमिकता पर वो काम होने वाला है, वो होगा, बाकी हम इस पर भी मैं इस पर विचार करूँगा। और यही मैं उनसे सीधा कहूँगा कि आम जनता के लिए भी गाजियाबाद स्टेशन और हापुड़ स्टेशन और मेरठ रेलवे स्टेशन पर जो जिस तरह फुट ओवर ब्रिज बनाए गए, आम आदमी को दूसरी तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए उनको सुविधा मिले, ये फुट ओवर ब्रिज हमारा ऐसा बनना चाहिए, इसमें प्लेटफार्म से प्लेटफार्म जोड़ने का एक और बाहर से बाहर आदमी को आने जाने का दूसरा ये होना चाहिए। ये हर बड़े स्टेशन पे है, चाहे प्रयागराज चले जाओ आप, लखनऊ चले जाओ आप, कानपुर चले जाओ आप, गाजियाबाद चले जाओ आप, हापुड़ में चले जाओ, किसी बड़े स्टेशन चले जाओ आप, बड़ौत में चले जाओ, मैं बड़ौत तक की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी चले जाओ, आम आदमी को एक मोहल्ले से दूसरी तरफ जाने के लिए, जो बस्ती के लोग हैं उनको बाजार जाने के लिए वो रास्ते दिए जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं दिया गया, इसमें क्या दिक्कत हुई है, क्या प्लान बनाने में परेशानी है, इसके बारे में बात करूंगा और मेरी यही कोशिश रहेगी कि इसी में डिजाइन बनाकर ये इसका निर्माण कराया जाए। ठीक है, कि ट्रैफिक कहाँ से निकालना है, उन्होंने कहा कि हम ट्रैफिक निकालेंगे, उसे बंद करेंगे, ट्रैफिक निकालेंगे सीकरी और वहाँ से, मगर वहाँ तो अभी नहीं निकल पाते, अगर इतना ट्रैफिक वहाँ चला गया तो और मुसीबत हो जाएगी, उसका इंतजाम वहीं करो, ये बात है। अब इसे अब अगला आ जाओ, ये बात मेरे संज्ञान में आ गई है, मैं इसको लेकर कल ही रेलवे के बड़े अधिकारी से, चेयरमैन से और जो डायरेक्टर है, जो टेक्निकल डायरेक्टर है, उनसे कल ही बात करूंगा, 100% बात करूंगा और ये समाधान इसका ऐसे ही होगा। हम ये कहते हैं कि जो इस तरह की व्यवस्था जो कस्बे के लोग और दूसरी आबादी जो हमारी बसावट है, जो उधर रहने वाले कॉलोनी के लोग, उनको शहर में जाने के लिए यहाँ से आने जाने का रास्ता इससे हमारे ऐप ओबी से मिले, बात रख रहे हैं। मैंने अपनी मीटिंग में भी ये तीनों सवाल उठाए, मीटिंग में रखे, मैंने कहा कि हमारे शहर की आधी से ज़्यादा आबादी उधर है, आबादी उधर है और शहर इधर है, आबादी के लोगों को शहर में आना है, तो जब रेल का फाटक हमारा 1.5 घंटा बंद रहेगा तो लोगों को स्वाभाविक है वे बेचारे जाम में खड़े रहेंगे परेशानी में। सांसद जी, दोबारा आपको यही बोलना पड़ेगा, उनके काम को एग्जामिन करती है, हम रेलवे के काम को एग्जामिन करने के लिए हमें सारे अधिकारी बुलाए थे। मैंने उस दिन आपके तीनों फ्लाईओवर जो रेलवे के हैं आपके, वो वाला और ये दोनों तिबड़ा सिकरी, ये मैंने उसमें दिए कि उसका पैसा, उसमें कहा कि वो काम अभी शुरू होना है, लेकिन इसके लिए मैं वो बता रहा हूँ, तो ये वाला विषय मैंने रखा, आपको अखबार में भी आया होगा, ये वाला जो हमारा ये फुट ओवर ब्रिज है, ये मेरे संज्ञान में था ही नहीं, मेरे संज्ञान में लगातार तीन फुट ओवर ब्रिज, मतलब तीन ब्रिज रेलवे के, तिबड़ा सीकरी और वो 15 हापुड़ रोड,
वो वाला सैंक्शन ऑलरेडी हो रखा है, उसका पैसा रिलीज अब हो गया। स्टेट का सेंटर के दोनों के मामले, रेलवे लाइन के ऊपर रेलवे विभाग बनाएगा और दोनों तरफ सेतु निगम बनाएगा हमारे स्टेट का। कौन सा जी? राज चोपले वाले का तो माननीय सांसद जी, जब मैं विधायक था 10 लाख रुपए एडवांस भी जीडीए से रिलीज हो चुका है। हाँ जी, जीडीए से रिलीज हो चुका और वहाँ वाले का विरोध कर दिया था। पैसा भी रिलीज करा दिया था उस समय। अब उसके बाद आपको तो 10 साल हो गए ना, अभी पैसा रिलीज हुआ है। उस समय पैसा 10 लाख रुपया रिलीज हुआ था, एडवांस दिया। चलिए क्या विषय बताइए, हम भी तो आप में से हैं। नहीं, आप में से ही हैं। चिंता कर रहे हो, टेक्निकल सॉल्यूशन तो उनको प्रोवाइड करना है। टेक्निकल प्रॉब्लम बता के मना नहीं कर सकते। जो रेलवे वाला फंड पास हुआ है, स्टेट का भी पास हो गया उसका, इसकी पहले ये जो टेक्निकल टीम मुआयना कर चुकी थी और रिजेक्ट कर चुकी थी कि नहीं होगा, बहुत हम लोगों ने कहा था। उनके रिजेक्शन करने से मैडम 2 लाख आदमी कहाँ जाएंगे। आज के लिए खबरें बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।